लगभग 2 साल से भाऊ ने कभी भी हर चीज को लड़कर बराबर हासिल किया है और ये सभापति पद का तो सरकार का निर्णय वास्तविक में गलत था और हम सबके प्रयत्नों को आज यश मिला है और वापस भाऊ को सभापति देखते हुए हम सबकी खुशी आज गगन में नहीं समा रही है। हम सबकी ओर से भाऊ आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। मैडम, आने वाले समय महानगर पालिका चुनाव होने वाले, कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल, इसका बहुत फेवरेबल असर पड़ेगा। आज ये सरकार की गलती सबके सामने आई है कि हर बार सरकार ने भाजपा और उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं के साथ सच में नाइंसाफी की हुई है और आज दूध का दूध पानी का पानी हम सबके सामने है। और संजय जी केनेकर का वापस माड़ा का सभापति बनना अपने आप में इस सरकार के लिए फिर से पुनरावलोकन करने की जरूरत है कि उनके निर्णय सच में कितने गलत हो रहे हैं और जनता में उनके प्रति अविश्वास निर्माण हो रहा है और आने वाली महानगर पालिका में आप देखेंगे कि जनता बराबर भाजपा का ही साथ देगी। अलका मधुकर काथर, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज कायद्याचं राज्य आहे हे परत एकदा सिद्ध झालं। मोदी सरकारच्या काळात कायद्याचंच राज्य असणार आहे याची खात्री बाळगा। संजय केनेकर, माननीय संजय केनेकरांचा हायकोर्टाच्या बाजूने निकाल लागला आणि पुन्हा त्यांना माडाच्या अध्यक्षपदी प्रस्थापित करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे कायद्याचं राज्य आहे याची खात्री बाळगा आणि भाजपला नेहमी जनतेचा सपोर्ट राहतो हे यावरून सिद्ध झालेलं आहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मिसेस संजय केनेकर और मुझे आज बहुत खुशी हो रही हूँ। मैं तो गवर्नमेंट सर्विसेज में हूँ, कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ, बट राजकारण से मेरा कंसर्न नहीं है, बट एज अ फैमिली मैं ये बोलूँगी कि आज मुझे बहुत खुशी हुई, न्याय हुआ और सरकार का, इतने बड़े सरकार का इतना गलत डिसीजन आया उसके लिए हमको 2.5 साल लड़ना पड़ा और आज जाकर उसकी जीत मिली है। देर से क्यों नहीं होता, जस्टिस हुआ है तो मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। संभाजीनगर के उच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता सरचिटनीस प्रदेश के अतुल जी सावे आज यहाँ उपस्थित है। प्रवीण जी घुगे जो सचिव है वो भी उपस्थित है। अनिल मकरी जी, सभी शहर के पदाधिकारी, सरचिटनीस, सभी कार्यकर्ता जल्लोस के साथ उपस्थित है। कार्यकर्ताओं के आनंद में थोड़ा सा विरजन इसलिए गिर चुका है क्योंकि एक तरफ ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिल सका, जो सरकार का धोरण था, सरकार नाकाम रही, जो कुछ अहवाल पेश करना था उन्होंने पेश किया नहीं, वैसा ही मेरे साथ हुआ है। उन्होंने जब सभापति बना था, सरकार आई और बदले की भावनाओं से सभी महामंडल के चेयरमैन को निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया और मैं तुरंत कोर्ट में उच्च न्यायालय की तरफ मैं गया हूँ न्याय मांगने के लिए और तब मुझे उच्च न्यायालय ने न्याय देने की कोशिश करते समय 2 साल महाविकास आघाड़ी सरकार के वकील पेश नहीं हुआ और फिर उच्च न्यायालय के चपराक से उनका सरकारी वकील हाजिर हुआ और उनका सब सुनते हुए हमें पब्लिक इंटरेस्ट में जो निकाला गया वो पूरे याचिका उनकी खारिज कर दी गई और मेरे को न्याय दिया है। और मैं यही बताऊंगा कि अभी तो ये शुरुआत है, ये महानगर पालिका और सरकार आने की शुरुआत है, अभी उन्होंने न्याय दिया, वैसा ही ओबीसी समाज के न्याय मिलने के लिए हम रास्ते पे उतर आएंगे। जैसा मुझे न्याय मिला वैसा ओबीसी समाज को भी एक ना एक दिन न्याय मिलने वाला है। आदरणीय संजय केनेकरांची महाडावर नियुक्ती झाली होती, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्यांची नियुक्ती केली होती, पण हे सरकार सत्तेत आलं, तिघाळी सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी ते पद रद्द केलं, जे कायद्याने ते रद्द करू शकत नव्हते पण गैरवापर करून कायद्याचा त्यांनी ते रद्द केलं होतं। पण आज कोर्टाने संजू भाऊ केनेकरांना न्याय दिलेला आहे, त्यांच्यावर जो अन्याय झाला होता तो अन्याय आज कोर्टाच्या ऑर्डरच्या माध्यमातून दूर झाला आणि नक्कीच संजू भाऊने सांगितल्याप्रमाणे ओबीसी समाजाच्या विरुद्ध या सरकारचं नेहमी धोरण राहिलेलं आहे आणि आज मला नक्कीच खात्री आहे की या ऑर्डर नंतर त्यांच्या लक्षात येईल की ओबीसी समाजावर अन्याय केला, असे चपराक त्यांना बसत निश्चितपणे हा